के अंदर बंदा मैनेज कर रहा होता है ना चीजों को। हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, बोलते हैं ना अपने मैनेजर को बुला, भाई हम आपसे बात नहीं करेंगे, मैनेजर से, क्योंकि तो पता है मैनेजर सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं ना। तो हम कोई चीज मैनेज करेंगे इसके अंदर, सही, क्या मैनेज करेंगे, वो अकाउंट मैनेज करेंगे, सही। सेकेंड चीज यहाँ पे लिखी हुई प्रोडक्ट ब्रांडिंग, हम किसी को प्रोडक्ट ढूंढ के देंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करके देंगे। तीसरी चीज इसमें लिखी हुई प्रोडक्ट लिस्टिंग, हम किसी की लिस्टिंग करके देंगे। चौथी चीज इसमें लिखी हुई है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग हुई हुई है लेकिन वो सही नहीं चलती, उसको हम ऑप्टिमाइज करके देंगे। फॉर एग्जांपल कि भाई मेरी गाड़ी है वो चल तो रही है बट सही नहीं चल रही, अब मैं मैकेनिक के पास जाऊँगा बोलूँगा यार कि गाड़ी सही नहीं चल रही, वो क्या करेगा उसके अंदर से कुछ चीज़ें सर्विस करेगा, ट्यूनिंग करेगा, वो गाड़ी को गाड़ी सही चलने लग जाएगी, अच्छी तरह चलने लग जाएगी। सेम काम किसी का बिजनेस सही नहीं चल रहा है अमेजोन के ऊपर, उसकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, वो काम हम करके देंगे तो वो वाला काम भी हो जाएगा। फिर आता है लॉन्चिंग और रैंकिंग, जब हम अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसको रैंकिंग की ज़रूरत होती है, रैंक कराना होता है ताकि उसकी सेल्स आए, तो ये भी एक अलग सर्विस होती है। फिर कीवर्ड रिसर्च, हमारा जो पूरा ऑनलाइन दुनिया है ना ये बेसिकली कीवर्ड्स की बेस पे चलती है, ऑनलाइन की दुनिया है। हमें कुछ भी सर्च करना होता है गूगल पे, हम कीवर्ड लिखते हैं हमारे सामने आ जाती है वो चीज़। हमें किसी इंसान को सर्च करना होता है हम कीवर्ड लिखते हैं तो सामने आ जाए, इसका मतलब कि इंसान का नाम भी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ, कीवर्ड हुआ, सही है। तो एल्गोरिथम को क्या लगता है ये कीवर्ड कि भाई मुझे क्या मिला है, कीवर्ड मिला। इसी तरह हम इसके मल्टीपल, अब एक इंसान के मल्टीपल नाम होते हैं ना, इसी तरह एक प्रोडक्ट के भी मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, तो हम वो ढूंढ रहे होते हैं प्रॉपर, फिर इसके रिसर्च टूल्स की मदद से इसका इसको किया जा रहा होता है इस काम को। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जब भी कोई बिजनेस करते हैं ना तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस के अंदर जो बाकी लोग ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कैसा कर रहे हैं, कैसा चल रहा है उनका बिजनेस, वो ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं कि चल रहे हैं। आपने भी कभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा, किसी को देख के स्टार्ट किया होगा ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम एनालिसिस करके दे रहे होते हैं। ये भी एक डिफरेंट जॉब होती है, ये भी एक डिफरेंट टास्क होता है किसी वर्चुअल असिस्टेंट का। फिर आते हैं रिव्यूज मैनेजमेंट, अब हर आपने देखा होगा जब आप किसी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं ना, एक बंदा खड़ा हुआ होता है बोलता है सर अपने रिव्यूज दे दें, या फीडबैक फॉर्म लेकर आता है वहाँ पर, बेसिकली ही इज द रिव्यू मैनेजमेंट गाय, वो आपसे आपकी राय ले रहा है, या रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर कभी व्हाट्सएप के ऊपर बोलते सर अपने रिव्यू इसमें दे दें, वो रिव्यूज कलेक्ट कर रहे होते हैं, सही है। तो वो बेसिकली रिव्यूज मैनेजमेंट का काम होता है, ई कॉमर्स के अंदर भी होता है। पेपर क्लिक, इसको पीपीसी बोलते हैं, या एडवर्टाइजमेंट टर्म है, आप जब प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं और एड चला रहे होते हैं तो उसका भी एक डिफरेंट काम है। फिर आपके पास इमेजेस डिजाइनिंग, अगर कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनर है तो वो किस तरह अमेजोन के लिए ई कॉमर्स के लिए इमेजेस डिजाइन कर सकता है। आपने अपने दराज देखा होगा, दराज के ऊपर इमेजेस होती है प्रोडक्ट की, वो होती है। आप कोई भी वेबसाइट उठा के देखें, किसी भी प्रोडक्ट की वेबसाइट उठा के देखें, आप जे डॉट का स्टोर खोल के देखें, वहाँ पे भी इमेजेस मौजूद होती हैं। इसका मतलब कि भाई इमेजेस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें, तो इमेज डिजाइनिंग की अलग से जॉब होती है। देन कूपन एंड प्रमोशन क्रिएशन, कि भाई किस तरह क्या है, किस स्ट्रेटजी से कूपन क्रिएट होगा, प्रमोशन क्रिएट होंगे, ये सारी चीज़ें भी कोई कोई ना कोई वर्चुअल असिस्टेंट देख रहा होता है। फिर FBA ऑर्डर मैनेजमेंट, ये टर्म है, दो टर्म्स होती हैं अमेजोन के अंदर, एक होती है FBA और एक होती है FBA। FBA शायद सुनिए आप लोगों ने ग्रुप के ऊपर सुनिए किसी ने FBA हो रहा होता है। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये दो टर्म्स होती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, FBM के अंदर क्या हम ऑर्डर खुद फुलफिल कर रहे होते हैं, खुद भेज रहे होते हैं, और FBM में अमेजोन उस ऑर्डर को भेज रहा होता है कस्टमर को। तो जब हम खुद भेजेंगे तो काम ज़्यादा होगा, जब अमेजोन भेजेगा तो काम कम होता है, तो जब काम ज़्यादा है तो वो भी कोई ना कोई बंदा कर रहा होगा। फिर हमारे पास मी टू लिस्टिंग्स, ये बेसिकली होलसेल के अंदर होती हैं, अपनी ऑफर ऐड कर देते हैं। फिर कोई लिस्टिंग के अंदर एरर आ जाता है, कोई ग्लिच आ जाता है, किसी वजह से मेरी चीज़ सही नहीं चल रही, उस एरर को फाइंड आउट करके रिजॉल्व करना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गाड़ी में कोई आवाज़ आ रही होती है अजीब सी, पता नहीं चल रहा होता क्या है, लेकिन जब हम किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो
कोई कभी कभी किसी ऐसे मैकेनिक के पास चले जाते हैं जो पूरी गाड़ी खोल देते हैं जब भी वो बॉल्ट नहीं चल रहा। कभी कभी हम किसी एक ऐसे मैकेनिक के पास चले जाते हैं जो आवाज़ सुन के बता देते हैं यहाँ पर मसला है, ऐसा हुआ होगा ना कि मसला ये है, तो ये चीज़ सही कराओ, ये आवाज़ बंद हो जाए। तो वही सेम काम हम कर रहे होते हैं कि हम एरर को फाइंड करके उस एरर को फिक्स कर रहे होते हैं, सही है। फिर कस्टमर सपोर्ट, हर बिजनेस के अंदर ना कस्टमर सपोर्ट ज़रूरी होती है। आप जब फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट आपके घर का नहीं चलता तो आप इंटरनेट वाले को कॉल करते हैं, तो आप उसकी सपोर्ट को कॉल कर रहे हैं, वो आके आपका इंटरनेट सही कर देते हैं, वहीं से देख लेते हैं क्या मसला। आपका केबल सही नहीं आ रहा, आपकी बिजली चली गई, आपके इलेक्ट्रिक को कॉल करते हैं, ये बात अलग है वो आते नहीं है और वो सही नहीं करते टाइम पे, बट आपके पापा आपको बताए कि भाई मुझे सपोर्ट के लिए कॉल कहाँ पर करनी है, सही। तो सेम चीज़ अमेजोन के अंदर भी होती है कि आपको सपोर्ट के लिए रब्ता करना पड़ता है या फिर कस्टमर को सपोर्ट चाहिए होती है, जो हमारे कस्टमर होते हैं, कोई मसला आ गया तो कुछ आ गया, उन्होंने मैसेज किया तो उनको रिप्लाई करना है, उनको डील करना है, मोस्टली FBM के अंदर ये काम ज़्यादा हो रहा है, सही। तो ये बहुत सारी स्किल्स हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई एक बंदा ये सारी सर्विसेज दे सकता है, अभी आप लोगों से सवाल है। एक बंदे के क्या कोई एक बंदा आप में से कोई ये सारी की सारी सर्विसेज दे सकता है? कितनी सर्विसेज दे सकते हैं अगर सीखने की बात की बात है, कितनी सर्विसेज कोई एक बंदा दे सकता है? दो तीन ही दे सकते हैं, सही है। पूरा समझाने का मकसद ये था, बहुत सारे लोग समझते हैं अपना पूरा सब काम हम ही कर लेंगे, सही है, सारे के सारे काम हम ही कर लेंगे, बट ऐसा कहीं पर भी नहीं है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। इवन के मैं मैकेनिक की एग्जाम्पल इस वाइज दे रहा हूँ क्योंकि बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, हम भी जब कभी मैकेनिक के पास जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि यार ये तो ना लेथ मशीन वाले के पास जाना पड़ेगा, खुद क्यों नहीं कर रहा वो काम, क्योंकि उसको पता ही मेरे बस का काम नहीं है, वो भी कहीं से जाके हेल्प ले रहा है और उसको पे कौन कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन वो काम उसके बगैर हो नहीं सकता, ऐसा ही है। अगर टायर का काम है, गाड़ी का हिस्सा ही है ना टायर, मैं मकैनिक को बोलूँ नहीं यार तुम कैसे मकैनिक हो, तुम्हें गाड़ी का टायर भी सही करना आता, तो बोले तो भाई मेरा काम ही नहीं है, तो टायर वाला करेगा। फिर मैं मकैनिक को ये कह दूँ कि यार मेरी हेडलाइट नहीं चल रही, तुम वो बोले भाई मैं गाड़ी का मकैनिक हूँ, मैं गाड़ी का इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मतलब कि उसके मल्टीपल चीज़ें थी, मल्टीपल चीज़ों को करने के लिए डिफरेंट लोग दरकार हैं और होंगे, सेम गोल्स हैं, सारे काम हम नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ तो मैं इमेजेस बना के खुद डालू, मैं तो सिर्फ अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट हूँ ना, इसमें से कुछ स्किल्स यूज करनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाना होता है, सारी चीज़ों के साथ प्रैक्टिकली आप काम करते हैं, बट यू हैव टू चूज कि भाई मुझे आकर किस चीज़ को, सही है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको बोलेंगे हम तो पूरा काम हम ही संभाल लेंगे, बट असल में नहीं समझ सकते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प ले रहे होते हैं लेकिन उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि हाँ भाई हम किसी की हेल्प ले रहे हैं, सारा काम नहीं। आपने कभी भी इस चीज़ को नहीं करना, हाँ एक वक्त है, हाँ वो हम सारी चीज़ों के लिए चाहिए ताकि आप काम करवा सकें। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि भाई इमेजेस किस तरह बनती हैं, आप इमेजेस बनवा नहीं सकते। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि भाई एडवर्टाइजमेंट किस तरह होती है, तो आप एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते। अगर आपको पता नहीं होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह होती है, आप प्रोडक्ट हंटिंग करवा नहीं सकते। आप चाहिए